पुराने तिब्बत में एक बहुत ही बड़ा फकीर हुआ। एक बार उसके पास एक आदमी आया और विनती करने लगा कि मुझे कोई ऐसा सूत्र दे दें जिसे मैं सिद्ध कर सकूं, खुद के लिए बहुत सी सिद्धियां हासिल कर सकूं, जिससे मैं लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध हो जाऊं। फकीर ने कहा, मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति तो फकीर के पीछे ही पड़ गया, खूब हाथ पैर जोड़े कि कोई तो सूत्र दे दें। फकीर ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। तो अंत में पीछा छुड़ाने के लिए फकीर ने उसे एक कागज में 4-5 लाइनें लिखकर दे दी और कहा, अगले 7 दिनों तक रोज 7 बार इसका जाप करना, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सूत्र हाथ में आते ही वह इंसान तो वहां से भागा। फिर उसने सूत्र देने के लिए फकीर का धन्यवाद भी ना किया। वह आश्रम की सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि पीछे से फकीर ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। इस मंत्र के साथ एक शर्त भी है कि जब तुम इस मंत्र का जाप करो तो मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए। बंदर इस मंत्र का दुश्मन है, और अगर मंत्र जप के दौरान मन में बंदर का ख्याल आ गया तो फिर यह मंत्र किसी काम का ना रहेगा, यह सिद्ध ना हो सकेगा। व्यक्ति ने कहा, निश्चिंत रहो, आज तक मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आया, अब कैसे आ जाएगा। मैं आपसे 7 दिनों बाद मिलता हूँ। लेकिन यह क्या, व्यक्ति पूरी सीढ़ियां भी न उतर पाया था और उसके मन में बंदर के विचार उठने लगे। उसने विचारों को हटाया लेकिन अगले ही क्षण फिर बंदर पलट कर उसके विचारों में आ गए। उसने अपना मन बहलाने की कोशिश की लेकिन बीच बीच में फिर उसे बंदर की याद आ जाती। वह घर पहुंचा और मंत्र का जप करने बैठा, लेकिन उसके अंदर यही डर सता रहा था कि कहीं मंत्र के बीच में बंदर के विचार न आ जाए। उसने मंत्र जप शुरू किया और उसके मन में बंदर के चित्र उभरने लगे। पेड़ों में उछलते कूदते बंदर उसके विचारों में आने लगे। वह घबराकर खड़ा हो गया। उसने सोचा, कल से शुरू करूंगा। रात जब वह सोया तो उसे सपने भी बंदर के ही आए। सुबह उठते ही उसने निश्चय किया कि आज तो बंदरों के बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन जैसे ही वह जप करने बैठा उसे बंदरों की याद आ गई। तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजरा, चौथा दिन भी बंदर के विचारों में ही गुजरा। 5वें दिन तो वह फकीर के पास वापस पहुंच गया और कागज वापस करते हुए बोला, ये पकड़ो अपना सूत्र, इस जन्म में तो ये मुझसे सिद्ध ना हो सकेगा। बहुत प्रयास किया लेकिन बंदरों के विचार को ना रोक पाया। जब तुम्हें पता ही था कि बंदर इस सूत्र का दुश्मन है तो मुझे 7 दिन बाद बता देते। जब आज तक बंदरों के विचार नहीं आए थे तो 7 दिन और ना आते और मेरा मंत्र भी सिद्ध हो जाता। फकीर ने कहा, मैं क्या कर सकता था, यही इस सूत्र की शर्त थी, इसीलिए मुझे तुमसे बतानी पड़ी। आखिर क्या हो गया था उस इंसान के साथ कि बंदर के विचार भगाए न भाग रहे थे। इसका कारण है विचारों से लड़ना। उस व्यक्ति ने बंदर के विचारों से लड़ना शुरू कर दिया था। और जब हम किसी विचार को दबाने, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उस विचार में केंद्रित हो जाते हैं। फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें, उस विचार से खुद को अलग नहीं कर सकते। हमारा चित्त उसी विचार से चिपक जाता है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है कि विचारों से लड़ो मत, उन्हें देखो, उनके साक्षी बनो। और ये संभव है केवल और केवल ध्यान से, माइंडफुलनेस से। अगर हम विचारों से लड़ने की बजाय उनके साक्षी बने, उन्हें देखें, तो विचार आएंगे और विदा हो जाएंगे। और ऐसे ही आती है सच्ची जागरूकता। लेकिन अगर हम किसी विचार के आने से डरते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो विचार हमसे चिपक जाएगा। क्योंकि हमारे मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है, हम जिसे भूलना चाहते हैं, जिससे दूर होना चाहते हैं, ये उसकी तरफ सहज ही आकर्षित होता है। इसीलिए तो जिसे हम नहीं भूलना चाहते उसे भूल जाते हैं, लेकिन जिसे भूलना चाहते हैं उसे कभी नहीं भूल पाते। क्योंकि जब हम किसी एक विचार को दबा देते हैं तो हम भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे अखाड़े में जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को नीचे दबा देता है तो वो भी उसके साथ दब जाता है, क्योंकि अब वो उसे छोड़ नहीं सकता, उसके ऊपर से उठ नहीं सकता। नहीं तो दूसरा पहलवान मौका मिलते ही उस पर हावी हो जाएगा। अब उसकी मजबूरी हो गई है उसके साथ चिपके रहना। देखने वाला तो यही कहेगा कि पहले पहलवान ने दूसरे को दबा रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरे ने भी पहले को दबा रखा है, क्योंकि आज़ाद तो पहले वाला भी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी को दबाने की कोशिश करते हैं तो हम भी ना चाहते हुए भी उसके साथ चिपक ही जाते हैं। फिर चाहे वो विचार हो
या इंसान। एक बात और कि हम जिस भी चीज़ को दबाने, उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो कई गुना और तेज़ी के साथ पलट कर वापस आती है। और ये विचारों के संदर्भ में भी सही है। हम जिस भी विचार का दमन करने की कोशिश करते हैं, वो हम पर हावी हो जाता है। दमन समाधान नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम विचारों का दमन करने की कोशिश करते हैं। दमन करके तो हम विचारों को अलग नहीं कर सकते। विचारों से लड़ना, उनका दमन करना आत्मघातक है। इनसे बचना जरूरी है, लेकिन बचें कैसे? बचने के लिए जरूरी है कि विचारों से लड़ो ही मत। काम वासना से बचना है तो काम वासना से लड़ो ही मत। क्रोध से बचना है तो क्रोध से लड़ो मत, बल्कि साक्षी बनो। जिससे भी मुक्त होना है, उसे बस देखो और जानो कि मैं अलग हूँ और वो अलग हैं। शांति क्रोध के प्रति लड़ने से नहीं आती, क्रोध के प्रति जागने से क्रोध चला जाता है, और फिर जो शेष रह जाता है वही शांति है। शांतचित होना क्रोध का उल्टा नहीं है, बल्कि क्रोध का ना होना ही शांतचित होना है। इसीलिए विचारों के प्रति जागरूक होना परम आवश्यक है, और ये जागरूकता आती है लगातार ध्यान करने से, माइंडफुलनेस से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।